वामपंथी उग्रवाद बंद हो गया। मैं माननीय स्वराष्ट्र मंत्री को, गृह मंत्री को पूछने चाहता हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल वो स्टडी करेंगे, क्योंकि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे अभी भी। हर हफ्ता मैं देखता हूँ कि एनकाउंटर हुआ सिक्योरिटी फोर्स के साथ, वहाँ पर ममता बनर्जी के सरकार वहाँ पर डेवलपमेंट का जो काम किया और ट्राइबल लड़कों को नौकरी दिया। सुनिए ना, मैं मानता हूँ कि देश का कोई राज्य नहीं चाहेगा कि पश्चिम बंगाल का मॉडल वहाँ अपनाया जाए। सर, ये वामपंथी उग्रवादी का समस्या 10-15 साल में 3-4 प्रांतों में हो रहा है, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, उसके बाद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, उसके बाद आंध्र उड़ीसा के कोरापुट और उसके बाद आंध्रा के कोई अंश में। अभी भी हर हफ्ता मैं देखता हूँ कि एनकाउंटर हुआ सिक्योरिटी फोर्स के साथ माओवादियों को, बंद नहीं हुआ। लेकिन मैं आपके संज्ञान के लिए बताने चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में भी वामपंथी उग्रवाद हुआ, लेकिन वहाँ पर ममता बनर्जी के सरकार वहाँ पर डेवलपमेंट का जो काम किया और ट्राइबल लड़कों को नौकरी दिया। सुनिए ना, उसके बाद सवाल क्या आपका? सर, सवाल यही है कि वहाँ केवल एक किशन जी को मानने पड़ा और अभी पश्चिम बंगाल में वामपंथी उग्रवाद बंद हो गया। मैं माननीय स्वराष्ट्र मंत्री को, गृह मंत्री को पूछने चाहता हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल वो स्टडी करेंगे और वही मॉडल सारा छत्तीसगढ़ दूसरे जगह में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, किसी कोई भी राज्य अच्छा करे उसके उदाहरण को पूरे देश में लागू करने में नरेंद्र मोदी सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, परंतु मैं मानता हूं कि देश का कोई राज्य नहीं चाहेगा कि पश्चिम बंगाल का मॉडल वहां अपनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 203, श्री वीरेंद्र सिंह।